आज हम हमीरपुर जनपद के अम्बेडकर पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए फोन से अपने लेटर लिख रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या इनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के यहाँ पर जो है इनका लेटर लिखा जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैरो मोहली विक्टोरिया है, सफाई कर्मी जिला महामंत्री से। अच्छा अच्छा, यहाँ पर खून से लेटर लिखा जा रहा है तो किन मांगों को लेकर? बस हमारे कर्मचारियों की, हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की मांग करें और सेवा इंसान और प्रधान से मुक्ति की जाए और प्रमोशन के लिए किया जाए कि हम सफाई कर्मी ही क्या जिंदगी भर सफाई कर्मी ही करते रहें कि क्या चाहते हैं। जब लोग कर्मचारी सफाई कर्मी ही ऑफिस में ऐसे ही प्राइवेट लिए जा रहे हैं बैठते हैं तो हम चाहते हैं उनका प्रमोशन ही किया जाए, उनका कार्य बदला जाए और प्रधान से गांव से छुटकारा मिले पुरानी पेंशन। चलिए और भी बातचीत करते हैं। सर आपका क्या नाम? कुलदीप कुमार वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष हैं। और मैं प्रदेश आह्वान पर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए खून से पत्र लिखा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं जैसे कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और सफाई कर्मचारियों का पदोन्नति की जाए, प्रधानों से मुक्ति दिलाई जाए और सफाई कर्मचारियों का पदनाम बदला जाए। इसी प्रकार हमारी 5 सूत्री मांग ये लंबित पड़ी हुई थी, काफ़ी वर्षों से मांग चल रही है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हम कर्मचारियों की समस्याएं जो हैं उनको समाधान किया जाए। आज तो हम खून से पत्र लिख रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को अगर हमारे एक एक बूंद की भी आवश्यकता पड़े तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को पुरानी पेंशन और हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निदान। कितने यहाँ पर सफाई कर्मचारी है? सफाई कर्मचारी जनपद में 599। आज सभी विकास खंडों से हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, कुछ कर्मचारी आए हुए हैं, इनको बुलाया गया तो इन्होंने सभी ने अपना रक्त निकाल कर और पत्र लिखवाया। लगभग कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर लोग मौजूद हैं करीब 100 लोग हैं। एक देश है, इस देश में एक ही संविधान होना चाहिए। इस देश में दो दो संविधान, चाहे सांसद विधायक महोदय तीन तीन चार चार पेंशनें ले रहे हैं और हम सरकारी कर्मचारी जो है 60 साल सेवा करते हुए जिनको एक भी पेंशन नहीं दी जा रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन इतनी ख़राब है तो आप क्यों पेंशन ले रहे हैं पुरानी? आप भी नई पेंशन लीजिए, अपने सांसद विधायकों को भी नई पेंशन दीजिए और अगर आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हम कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन चाहिए। लगभग पूरे जनपद से 100 की संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मचारी मौजूद हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और खून से खत लिखा जा रहा है। इनकी जो मांगे हैं जैसा कि इन्होंने बताया, पुरानी पेंशन की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है, इसी तरीके से अन्य भी मांगे हैं और साथ ही बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। सर के नाम है आप कहाँ से आए हैं? क्या मांग है? मांग हमारी सबसे पहली मांग पेंशन की है और दूसरी मांग है ग्राम प्रधान से मुक्ति। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप? अब हम लोग जो तो है मतलब धरने में जाएंगे, मतलब बिना उसके, मतलब बिना डेट के परमानेंट धरने में। चलिए देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये जो है धरने पे बैठ जाएंगे। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांग है जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।